अपनी दोस्त के घर आई हूँ जो, और क्यों आई हूँ अभी आपको रीजन भी मिलवाते हैं। और फातिमा की मामा इस सो कोई दोस्त के दो ट्विंस हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ट्विंस तो वैसे दो ही होते हैं, आपने क्यों कहा दो? अभी हम पेट पूजा करते हैं। यार ये पिस्ते इतने तेज हैं, पंजुगियों में दोनों रोने लग पड़ते हैं, एक ही बेड पे खा खा के बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं। ये देखे एक माँ की निशानी, शर्ट बच्चे की कैसी फेंकी होगा आप रहे तो। बात ऐसे ही है, यहाँ से जी जलेबी ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज जैसे कि आपको आइडिया हो रहा होगा, मैं पापा के साथ अपनी दोस्त के घर आई हूँ जो, और क्यों आई हूँ अभी आपको रीजन भी मिलवाते हैं। जिन दोस्त की शादी हमने प्रॉपर व्लॉग बनाए थे ना, जिन दोस्त की शादी के प्रॉपर व्लॉग बनाए थे उनके, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको चेक कराते हैं, क्या सरप्राइज है आपके लिए। यार मैं बहुत बुरी खाला हूँ बेचारे। यार ये बच्ची सो क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। मीरा भाई अहमद नाम है ना? मीरा फातिमा नाम है। और देखो मैं मीरा अहमद दोनों को अलग अलग बना रही हूँ। यार ये बच्ची इतनी क्यूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे जब से मैं आई हूँ स्माइल्स दी जा रही है। और ये जो है हमारा अहमद, ये तो अथरा हुआ है इसमें, खाला की रूह आ गया। हर टाइम स्ट्रगल करता है, कोई खेलते कूदते रहे या बाहर घुमाते रहे इसको। अच्छा ये है कौन, आपको बताया ही नहीं? वैसे ऑब्वियस है, सो मेरी दोस्त के दो ट्विंस हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ट्विंस तो वैसे दो ही होते हैं, आपने क्यों कहा दो? यार मैं बैठ गई हूं। मैं बात नहीं, पहले हम भी ऐसे ही करते थे। और मैं बस अभी, पहले हमारी क्या बात होती थी, अभी मैं से रूटीन पूछ रहे थे, अच्छा क्या करती हो, कब जागती हो, क्या करते रहते हैं, इनके साथ कैसे एडजस्ट हो रहा है। लेकिन माशाल्लाह अभी, यार ये इसकी बिल्कुल डिफरेंट नेचर है ना, ये इस तरह एक्टिव रहता है। और ये बच्ची आपको कंटिन्यूसली स्माइल देती रहेगी, जैसे अभी आपको नजर आ रहा है। फातिमा इसको गोद में भी उठाएं, बिल्कुल इसका यही रिएक्शन रहेगा। अहमद नहीं लेटता नीचे। यार फातिमा की मामा इस सो कोई कितनी क्यूट लग रही है, इसके कान भी सिल गए अभी से। अभी कितनी एज है इनकी? मेरे ख्याल में 2.5 महीने के हो गए हैं ये लोग। मैं फिर भी इनकी मामा से आपको कन्फर्म करके देती हूँ। हमारा अहमद बिगड़ गया, उसको एक दफ़ा पंजुगी में डाला है, साथ हम चाय पीते हैं, फातिमा को भी वहीं लेके जाते हैं। हम दोनों की बातों में आंटी बेचारी थकती रही हैं। अभी हम पेट पूजा करते हैं। मैं कह रही थी कितनी आप एक्टिव रही हैं, फातिमा के कान सिलवा लिए इतनी जल्दी। और क्या कहने लगी थी मैं, हाँ वो सब ये बात कर रहे थे कि पहले जब हम इकट्ठे होते थे तो जॉब की डिस्कशन करते थे और अपने शौक की और ये और वो, और आज जब से हम मिले हैं तो रूटीन क्या है, तो कौन सही रहता है, कौन बच्चा तंग करता है, कौन नहीं करता, ये डिस्कशन होती है। इतने मजे के कबाब आंटी ने बनाए हैं, अभी रेसिपी पूछते हैं तो फिर घर खुद भी ट्राई करेंगे। 3 कमरे बदल चुके हैं और इतनी बातें कर चुके हैं, अभी हमें याद ही नहीं हमने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। टाइम क्या हो गया अब? टाइम हो गया 7 बज गए। 7 बज गए, कोई 4 घंटे हम लोग सिर्फ मतलब ऐसे यही लगे रहे हैं। भाई कौन आएगा? और हम लोगों ने इतने कमरे बदले हैं बच्चों की वजह से, इधर ये लोग कम्फर्टेबल फील करें। अभी आंटी खाना बना रही है, मुझे तो लग रहा है ऊँचो दहेज तक पैसे साड़ियाँ गल आज तो हम उठे ही नहीं हैं, बस बैठे रहे हैं चुप करके। पापा को खाए थोड़ी देर तक उनके साथ, फिर वापसी करेंगे। अहमद सो गया और फातिमा जागी भी है, अहमद भी मिन मिन कर रहे हैं। इसको पता है ना कि खाला आई हुई है। माशाल्लाह वैसे तंग नहीं करते अभी तक, सो फार मेरा एक्सपीरियंस अच्छा गया है। सॉरी बैंडूर इतने बच्चे पसंद नहीं, रोना आ लेते, इतने अच्छे हैं, रोते शोते कम है। लेकिन इनकी मामा बहुत केयरलेस हो जाती है ना, दूध टाइम भी दे रही है ना इनको, डायपर चेंज कर रही है। क्योंकि वो बहुत अच्छे से बात मिली है, वो बातें करना चाह रही है एक्चुअली। और ये पिस्ते इतने तेज हैं, पंजुगियों में दोनों रोने लग पड़ते हैं, और अगर ऐसे इन्हें रखें तो ये लोग इतने खुश हैं बातों में है, टाइम मांगते हैं है फातिमा, और हम दोनों बातों में लग पड़े हैं, ये लोग टाइम मांगते हैं, अटेंशन सीकर है बच्चे ना, कहते हैं बिल्कुल अटेंशन आपकी डाइवर्ट ना हो, अपने चस्के खत्म करो और टाइम दो। ऐसे इस पोजीशन में हम लोग तो ये लोग बिल्कुल खुशबाश हैं। ये वो ट्विंस हैं जो लगते ट्विंस नहीं है ना, फ्रेटर्नल ट्विंस हैं। एक ही बेड पे खा खा के बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं। और काम ही सवारियां बैठना तो कोई नहीं,
खाना खाते हैं और फिर कोई गरज की तैयारी करा। आज तो ऐसा लगता है घर बिल्कुल भूल गया मुझे। हमारी एक अनोइंग दोस्त है जिसने हमें ज्वाइन नहीं किया, और आपकी बहन की इतनी मर्दाना आवाज हुई है, अवॉइड करें। आपने उसको बताया था क्या जा रही है? जी कॉल की थी, उसने कहा भी नहीं मैं तो बिजी हूँ, तो फिर पहले क्यों नहीं बताया। मैं कहा सडन बना है, मीठा आपकी बहन कम खाती है तो थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। आपकी बहन जाने के लिए तैयार हो गई है। ये देखें एक माँ की निशानी, शर्ट बच्चे की कैसी फेंकी हो, घबराए तो ये बच्ची कभी नहीं बदल सकती। और बस आपकी बहन भी तैयार हो गई। अभी हम लोग ऐसे करते हैं कि अभी हम लोग नहीं, ये तो घर ही रहेंगे, मैं जाऊँगी पापा के साथ, फिर जो ऑनवर्ड तरतीब होगी। आपको पता है कितना टाइम बाद मिले हैं हम लोग? मैं लास्ट टाइम ट्रीट दी थी, तुमने क्यों ट्रीट दी थी? ओह माय गॉड, ऑलमोस्ट ये जुलाई की बार है, अगस्त के स्टार्ट में हम मिले थे, मोरा में मिले थे ना, अगस्त का स्टार्ट था उस टाइम मिले थे, और अब इतने टाइम बाद हमें बहुत टाइम पहले होता था कि हम लोग दो हफ्तों के बगैर रह नहीं सकते थे, हम लोग मैसेज करते थे कॉल बस, इतनी बिजी रूटीन हो गई है, लेकिन फिर भी ये कि कांटेक्ट में रहते ही हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसे हम वो दोस्त नहीं हैं जो ऐसे छिड़क बन जाती हैं, नहीं रब्ता नहीं हुआ, एक दिन का जवाब दो दिन बाद भी देते हैं तो सबको होता है हाँ हाँ बिजी होंगे। पहले से ही ऐसे थे ना, हम शुरू से ऐसे इजी गोइंग से हैं, मॉर्निंग तो आपकी सिम रिमेन रहती है, लेकिन बस ये है कि रूटीन चेंज होती रहती है। आंटी थैंक यू, आपकी जितना आपको हमने तंग की है, अपने बच्चे भी संभाले हैं और खाना भी बना दिया। आज हमारी महफिल आंटी की वजह से मेन लगी है, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है शादी के बाद जो है ना, वो बात ऐसे ही है। और इतना रिलाय बंदा माओ पे ही कर सकते हैं आंटी, है ना, वो शादी के बाद के साथ वापसी तो कर रहे हैं, लेकिन पता चला है कि मानो आप ने जलेबी कही हुई है, पहले उनकी वापसी पे जलेबी यहाँ से जी जलेबी ले रहे हैं, मल्ला सरगोजरा ये वाला बर्बी बल्कि। पापा मुझे लेने हैं, आपने अपने सवाल किधर कहे हुए थे, कैसे? हाँ मुझे फ्लू और बुखार ने जला किया हुआ है। कितना प्यारा सूट लग रहा था मेरा आज, आज चले आपको एंड पे आज बता देते हैं, ये सूट मैंने मनो जिधर गई थी वो व्लॉग तो देखेंगी तो उनको जरा शर्म नहीं है कि इनकी एक बहन भी है। उसने इतना मुझे कहा है कि क्यों नहीं, मैं कहा मानो अभी बिजनेस मैन है, मुझे तो कोई मैसेज तो दिया नहीं है, वो हम आज इतना बातें करते हैं, हमने ब्लॉग भी नहीं बनाया, और ये बिल्कुल एक आप लोगों ने मेरी दावत करनी है। आज आपकी बहन घर नहीं थी तो मानो आप लेजेंड की रंग लाए हुए, और मुझे को बाना साइड प्लीज, क्यों बना रही हो? बस वो शोरबे वाला गोश्त, yes. हमारी मानो आप ही खाना बनाती हैं, चिली सॉस और सॉस बिरयानी मसाला ने आ रही मसाला चाट मसाला करेंगे। ये ऐसी बच्ची हैं जो सफाई इतनी बेहतरीन पोछा मार सकती हैं, लेकिन खाना पकाना इन्होंने आप शुरू किया है तो कोई मसाला भी इनके हाथ से छुटता नहीं है, सब कुछ डालना है, चाहे सब्जी है चाहे गोश्त है, सेम रेसिपी। इसमें मुझे चार गोश्त नजर आ रहे हैं जी, वो डाला है मुझे नजर आ रहा है, और ये कौन अंडी में डालता है, बेवकूफ है ये। पापा को उसकी इस बात पे इतना गुस्सा आता है जिसकी इंतहा नहीं है। और बस आज मैंने रेसिपी यूट्यूब पर सर्च किया यार, मेरी छोटी बहन ने एक डायरी बनाई हुई है बॉस ने, वो तो आज हॉस्टल गए मेरे फिलहाल का लहसुन, बॉस की डायरी और मानो आप ही यूट्यूब, पता नहीं इतनी घटिया रेसिपीज ये कहाँ से निकाल लेती है। शोरबे वाला वैसे वो आलू के साथ झुकता है, और बस आज का व्लॉग हम अपना यहीं खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और दुआ में याद रखें, और मैं नाराज हूँ अल्लाह।